अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान चलो। सुभान बेटा, मन्नत बुला रही। सुभान, हिम्मत रख दुआ, अल्लाह जरूर कोई ना कोई करिश्मा दिखाएगा और इस गुनाह को रोक लेगा। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे अम्मी। जो जिंदगी मैंने देखी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी इबादत भी वही दिन देखे। ये इबादत इतनी तेजी से कहां जा रही है अम्मी? इबादत कहाँ जा रही हो तुम? एक जरूरी काम है अम्मी, अभी जाने दीजिए, मैं आपको सब बताऊंगी। इबू बेटा, हम तुझे रोक नहीं रहे, सिर्फ जानना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता कोई नई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी? मुझे बता मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं नहीं नानी अम्मी, आपको साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगी। हाँ देखो इबादत, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, अगर तुम हमें बताओगी तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ मी अम्मी, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, पर ये मेरा कोई पर्सनल काम है, मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। इबादत, इबू हमें ऐसा लगता है जैसे इबादत सुभान और मन्नत के बढ़ते ताल्लुकात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है। मौला इस नेक और मासूम बच्चे की हिफाजत करे। खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करे। दुआ बेचारी इबादत, औरत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आखिर है तो वो औरत ही। अपने शोहर का निकाह वो देख नहीं पाएगी, जाने दो उसे यहाँ से दूर, कुछ वक्त बिताने दो उसे अपने साथ, अपने हाल और यहाँ के हालात पर गौर करेगी, तब जाके ना कुछ नतीजे पे पहुंचेगी वो। उसे रोकने से कोई फायदा नहीं है दुआ। हेलो, जी हाँ मैं इबादत अख्तर बोल रही हूँ, आप कौन? जी जी कहिए। क्या? जी ठीक है। मुझे क्यों बुलाया होगा, क्यों चाहता क्या है? मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए ही आई हूँ फरहान। आराम से सांस लो, बिल्कुल मत घबराओ। मैंने डॉक्टर से बात की है, कुछ नहीं होगा। झूठे उम्मीद नहीं, मैं नहीं बचूंगा, इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा आ गया मन्नत, वो तुम्हारी बहन है पर उससे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं है तुम्हारी।
उसने प्लान बनाया, उसने सुमान को भड़काया, उसने सुमान को हासिल करने के लिए सुमान को बहकाया था कि सुमान तुमसे दूर हो जाए। उस प्लान से मैं भी था, तो मुझे माफ कर उसने इस सब के लिए, उसने मुझे इस मुलाकात के लिए को हमारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। कैसा ऑफर है? तो मुझे छुड़वाना क्यों चाहती हो? तुम्हें इस्तेमाल करके इबादत की जिंदगी बर्बाद करनी है मुझे। तुम्हें एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगी, उसे ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो वीडियो तुमने चुपके से बनाया जब हम साथ में थे, और फिर उस वीडियो को इबादत को दिखा के तुम्हें इबादत को ब्लैकमेल करना है ताकि वो मजबूर हो जाए तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए। घर पे जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो कुछ ऐसा करना जिससे सुभान को लगे कि तुम इबादत से मिलने आए थे। यही नहीं, उसने मुझे सुभान के सामने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलने के लिए कहा था। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। उसने एक और चाल चली इबादत, तुम्हारा एक फेक वीडियो बनवा के मुझे सुभान को दिखाने के लिए कहा जिससे सुभान को लगे कि तुम मन्नत को जान से मारना चाहती हो। और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो फिर खुद इबादत की जुबान से सुन लो। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम मन्नत को मेरे और सुभान से दूर रख सको। बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, अब तुम्हारी बारी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, मेरी सगी बहन होकर इतनी बड़ी धोखेबाजी, इतना बड़ा घाव क्यों दिया उसने मुझे? क्यों? मुझे वो पता। मैं पानी, पानी चाहिए, पानी, पानी, प्लीज पानी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, पर तुमसे कुछ तो पता नहीं चाहती हो। कोई तो राज है तुम दोनों के बीच। वो सुभान से प्यार नहीं करती है, वो बस सिर्फ निकाल रही है इबादत। उसे रोक लो, उन दोनों की शादी नहीं होने दो, उन्हें रोक दो, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो सुभान को नहीं माना चाहती, वो तुम्हें बर्बाद करते रह जाती। बर्बाद, बर्बाद। फरहान, डॉक्टर, फरहान कुछ नहीं होगा तुम्हें, फरहान, डॉक्टर जल्दी आइए, फरहान तुम्हें कुछ नहीं होगा, फरहान, डॉक्टर, प्लीज देखिए, प्लीज। एक्सक्यूज मी, ओह शिट, इसका हार्टबीट ऑलमोस्ट निकल है। नर्स, डेफिब्रिलेटर लगाओ। लगता है इसका बचना बहुत मुश्किल है। फरहान जो कुछ भी कह रहा है अगर ये सच है तो मुझे कुछ करना होगा, वरना मन्नत सुभान की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं क्या करूं, कैसे करूं? तब तक तो शायद उन दोनों का निकाह हो चुका होगा। या खुदा मदद कर मेरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।